किसी के घर में भगवदगीता है लाल कपड़े में लपेट के रखी है, सील पैक वैसे के वैसे भगवदगीता एज इट इज। अगर किसी को पूछिए क्या पढ़े हैं भगवदगीता, हमने पढ़ी नहीं पर घर में पढ़ी है। कई लोगों के घर पे भगवदगीता तो है, किसी के घर में भगवदगीता है लाल कपड़े में लपेट के रखी है, मंदिर के अंदर रखी है, कोई अपने ड्रॉअर के अंदर रखी है सील पैक वैसे के वैसे भगवदगीता एज इट इज। हर साल जब कोई भगवदगीता के स्टॉल में जाता तो बोले हमारे पास है, हमने लिया पिछले साल ही लिया, पर पढ़ा। अगर किसी को पूछिए क्या पढ़े हैं भगवदगीता, तो नहीं नहीं हमने पढ़ी नहीं पर घर में पढ़ी है। तो धूल लग रही है, कुछ लेना देना नहीं है, भगवदगीता ली है। तो ये जो है रिचुअलिस्टिक प्रोसेस को हमको नहीं अपनाना चाहिए कि भगवदगीता बहुत ऑस्पिशियस से घर में रखनी चाहिए, वास्तु अच्छी होती है। हो सकता है, इसमें कोई संदेह नहीं, ये है कि भगवान और भगवदगीता में कोई अंतर नहीं है। भगवदगीता रखना है भगवान को ही रखना, पर भगवदगीता का सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या है या भगवदगीता का सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि उसका ज्ञान, उसका जो विजडम है, ये हमको पहले लेना चाहिए। भगवदगीता जो गीत है भगवान की, उसको हमको समझना चाहिए। इसलिए आलसी मत बनिए, निश्चय रखिए, दृढ़ता लाई है। तेषाम सतयुक्तानाम भजताम प्रीतिपूर्वकम, जो भगवान के प्रति प्रीति लाता है, प्रेम से भगवान की भगवदगीता को पढ़ता है, ददामि बुद्धि योगम, तब भगवान उसको बुद्धि देंगे उसको समझने के लिए। इसे अनन्य चिंतयन्तो मम येजना परियुपास्यते, बाकी सब काम छोड़कर कोई और अन्य कोई भी कार्य नहीं जो भगवदगीता पर फोकस करता है, तेषाम एवानुक भगवान योगम क्षेमम वहामि हम, भगवान उसको हर वो कमी पूरी कर देता है। ऐसे गीता में कहते हैं कोई कमी भी होगी भगवान उसकी फुलफिल करेंगे, और जो भी उसकी अच्छाई है उसको भगवान मेंटेन रखेंगे, ऐसे भगवान करते हैं। इसलिए व्यवसायत्मक बुद्धि समधौ न कुरु, व्यवसायत्मक बुद्धि एक कुरु नंदना। तो व्यक्ति को एक फोकस होना चाहिए, जिस प्रकार अर्जुन वॉज वेरी वन फोकस कि भगवान कृष्ण के लिए युद्ध लड़ना है, उसी प्रकार हमको भी फोकस होना पड़ेगा गीता पढ़ने के लिए। और प्रारंभ में बहुत ही जटिल हो सकता है भगवदगीता समझने के लिए, प्रामाणिक कोई कोच का, स्पिरिचुअल कोच का आप गाइड लीजिए, गाइडेंस लीजिए, जिससे आप भगवदगीता को समझ सकते हैं। हरे कृष्ण।